काम होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है। ये तो बड़े कृपालु है परमात्मा, बड़े कृपालु और दयालु है प्यारे। एक व्यक्ति जो है वो परमात्मा को निराकार मानता था। हाँ, बड़े ध्यान से सुनना थोड़ा। वो भगवान को निराकार मानता था, भगवान के ना हाथ है ना पैर है। क्यों? बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन करे विधि नाना, आनन रहत सकल रस भोगी, बिन वाणी मक्तावर जोगी। ना हाथ है ना पैर है ना मुंह है ना कान है ना आंख है, कुछ नहीं है भगवान। भगवान तो एक प्रकाश पुंज है, वो ये मानता था। तो एक व्यक्ति जो था वो भगवान को साकार मानता था। हाँ हाँ, दोनों का झगड़ा हो गया। बोले आपने कैसे सिद्ध किया? उसने बताया कि निराकार तो भगवान ऐसे है लेकिन साकार कैसे है। दूसरे भक्त ने कहा साकार है करारविंदे न पदारविंदम, मुखारविंदे बिन बेसयंतम, बटस्य पत्रस्य पुटे सयानम, बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। भगवान के हाथ हैं पैर हैं, करार विंदे न पदार विंदम, मुखार विंदे न बिनबे सयंतम। मुख भी है भगवान का, ऐसा नहीं है भगवान साकार है। रास्ते से दोनों चले जा रहे थे, भाई निर्णय कैसे हो भगवान साकार है या निराकार, पता कैसे चले? किसी तीसरे व्यक्ति से पूछना चाहिए, भाई जिसका बहुमत सिद्ध होगा वो जीत जाएगा कि भगवान साकार है या निराकार। रास्ते से चले जा रहे थे तो महाराज एक व्यक्ति वहां पर रास्ते से गुजर रहा था, उसकी उसी समय गाड़ी खराब है गई, गाड़ी से जा रहा था। ये दोनों अपना प्रश्न लेकर के पहुंच गए, भैया एक बात आपसे पूछनी है, क्या भगवान साकार है या निराकार? अब भाई उसकी तो गाड़ी खराब है गई, तो वो तो क्रोध में था। उसने कहा भगवान ना साकार है ना निराकार है, भगवान तो बेकार है। कैसा है भगवान? तो बेकार है। बोले भाई साकार और निराकार सिद्ध तो होता है, लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आया भगवान बेकार कैसे हो गए। बोले अच्छा विचार करो, कितना बड़ा वृक्ष होता है, किसी का भी ले लो, जैसे जामुन का वृक्ष कितना बड़ा होता है लेकिन फल छोटे छोटे से लगे होते हैं। वो बोले कद्दू का वृक्ष देखो कितनी पतली डंडी होती है उसकी, उस पे कद्दू। बताओ भाई वृक्ष के हिसाब से फल लटकाना चाहिए कि नहीं? बड़े वृक्ष पर कद्दू जैसा फल होना चाहिए और छोटी जिसका पतला तना है पतली डंडी है उसमें छोटा फल लगना चाहिए। भगवान तो बेकार है, भगवान में बुद्धि नहीं है। बहुत थक गया, उसकी गाड़ी ठीक नहीं हुई, उसने सोचा चलो विश्राम कर लेते हैं। तो तीनों व्यक्ति जो है एक जामुन के वृक्ष के नीचे शयन करने लगे, विश्राम। भैया क्या हुआ? विश्राम जब कर रहे थे तो ऊपर से जामुन का फल उसके मुख मंडल पर गिरा, जिसने कहा भगवान बेकार है। वो घबरा करके उठ गए, उसने देखा कि ये जामुन मेरे मुखमंडल पर गिरा। उसने दोनों को जगाया, बोले भैया आज मुझे ये पता चला कि भगवान साकार हो सकता है या निराकार हो सकता है, लेकिन भगवान बेकार नहीं है। क्यों?
क्योंकि कदाचित इस जामुन के वृक्ष पर कद्दू जैसा फल लगा होता और वो हमारे मुंह पे गिरता तो हम तो मर ही जाते। विचार करो, इतना बड़ा जब फल सोते समय मुंह पर गिरे तो क्या दशा हो व्यक्ति की। भगवान साकार हो सकता है, निराकार हो सकता है, लेकिन भगवान बेकार नहीं है। कार्य भगवान है, आप कैसे भी मानो, आप साकार को मानो या निराकार को मानो, लेकिन मानना चाहिए। कल कहा था तुलसी अपने राम को रीज भजो या की, उल्टो सीधो जमत है खेत परे को बीज। जब हम खेत में बीज डालते हैं तो ये नहीं देखते कि भैया ये सीधा जा रहा है या उल्टा जा रहा है, कितने गहरा जा रहा है, ये तो नहीं देखते, डाल देते हैं। और प्रभु की कृपा देखो प्यारे, जो बीज जमीन में दब जाता है वो समय पश्चात, कुछ समय पश्चात एक नन्हा सा पौधा बनकर के प्रकट हो जाता है, बड़ा होने लगता है। और जो ऊपर रह जाता है वो नहीं जमता। इससे एक बात और पता चलती है प्यारे, हम पाप करें तो उसको दबाए नहीं, हाँ हम पुण्य करते हैं, बड़ा विस्तार करते हैं, उसका प्रचार प्रसार करते हैं, हमने ये कराया, हमने वो कराया, हमने ये कराया। और पाप अगर कोई हो जाए, बन जाए, तो उसको छिपाते हैं कि ये किसी को पता ना चले। लेकिन प्यारे याद रखो, जो बीज मिट्टी में छिपा हुआ होगा वही आपको कई गुना फल देगा। अगर पाप तुम छिपाओगे तो एक समय ऐसा आएगा कि उस पाप का फल आपको कई गुना भोगना पड़ेगा। पाप को तो उजागर रखो, महाराज गलती हो गई हमसे, ये बन गया, अब जो हो तो आप जानो, अगर इसका कोई प्रायश्चित बनता हो तो वो हम करें। अगर पाप आपका जो है वो जमीन के ऊपर पड़ा रहा, सब कोई देखता रहा, तो वो जमने वाला नहीं है, सूख जाएगा वो। इसलिए प्यारे पुण्य करो तो उसे छिपा करके रखो ताकि वो आपको कई गुना प्राप्त हो, उसे दबा करके रखो, पाप को उजागर रखो, ये पता चलता है। इसलिए प्यारे भगवान की शरणागति में जब हम आए तो भगवान का गुणानुवाद हमें भाव से करना चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, जय श्री राधेश्याम। आज जो है महाराज, कल आप सभी ने श्रवण किया कि भगवान कन्हैया ने गिरिराज महाराज को कनिष्ठ का उंगली पर धारण किया। अच्छा भैया कनिष्ठ का पर क्यों ही धारण किया, हाथ पर रख लेते, हाँ हाथ पर नहीं रख सकते थे क्या भगवान? अरे अंगूठा पे, जब पतरी नगरिया से महाराज कायखो साधु गोवर्धन को, कछु विचार तो करो, बड़ा सुंदर भाव है। कहते हैं कि कनिष्ठ का एक बार जो है यह छोटी उंगली भगवान के पास रोते रोते पहुंच गई। हाँ हाँ, भगवान जब मेरा कोई कार्य नहीं था तो मुझे बनाया क्यों? हाँ हाँ, जैसे कोई अतिथि आता है तो हम उसका तिलक किससे करते, अंगूठे से करते हैं ना। और जब पितरार्चन करते हैं देवताओं, अपने पितरों को पिंड दान करते हैं या उनका पूजन करते हैं तो तर्जनी उंगली से करते हैं, करते हैं। स्वयं को जब हम तिलक लगाते हैं तो हमें मध्यमा उंगली से तिलक लगाना चाहिए। और जब हम भगवान का पूजन करते हैं तो हमें अनामिका उंगली से पूजन करना चाहिए। अनामिका से करते हो ना? हाँ हाँ, लेकिन इसका कोई मतलब ही नहीं, इसका कोई कार्य ही नहीं। रोते हुए पहुंची, भगवान जब मेरा कोई कार्य नहीं था तो मुझे बनाया क्यों? भगवान ने कहा चिंता मत करो, अरे तुम तो ऐसा कार्य करोगी जो ये नहीं कर सकते, ये सब मिलकर के नहीं कर पाएंगे जो तुम कार्य करोगी। आज भगवान ने उस कनिष्ठ का पर कृपा की है महाराज, उस कनिष्ठ का उंगली पर गिरिराज महाराज को धारण किया है। बोलिए गिरिराज धारण भगवान की जय।
सात वर्ष के कन्हैया ने सात कोस के गिरिराज महाराज को सात दिन सात रात्रि तक इकन्नी उंगली पर धारण किया है। ये और कोई नहीं कर सकता, केवल परमात्मा कर सकता है। सब लोग कहते हैं भैया महाराज देखो तो कन्हैया ने 16,108 विवाह किए, हम दो चार कर लें तो कौन सी बड़ी बात है। अरे सोलह कृष्ण भगवान ने इतना माखन चुराया है, चोरी की है, अगर हम चोरी करते हैं तो क्या गलत है? भगवान ने चोरी की उसे आप गलत नहीं मानते, मैं चोरी करता हूं तो गलत मानते हो। प्यारे जो कन्हैया ने किया है वो तुम कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं कर पाओ। विचार करो, छह दिन के थे मात्र कन्हैया, सातवां दिन था, सात दिन के बालक ने पूतना को मार दियो, मार सको तुम? ना। सात वर्ष के कन्हैया ने गिरिराज महाराज को धारण कियो। आप भैया एक क्विंटल को पत्थर ही रखे जानो तो जानो, कहने को तो सहज है। महाराज छह वर्ष के कन्हैया ने कालिया नाग का मान मर्दन किया है, जिसके 1,000 फन थे। कालिया नाग के कितने फन थे? 1,000। उसका मान मर्दन किया है। आप छोटे से बाबा को पकड़ लो तो जाने, कभी नहीं कर सकते। जो कन्हैया ने किया है वो व्यक्ति कभी नहीं कर सकता। आज जो है परमात्मा ने सभी व्रजवासियों पर कृपा की, सभी की रक्षा की है। मेघ बरसते बरसते थक गए, महाराज इंद्र के पास पहुंचे, हाथ जोड़ करके महाराज क्षमा करना, मेरे पास जितना जल था मैंने सारा जल बहा दिया, लेकिन वृंदावन में तो आज भी धूल उड़ रही है महाराज। इंद्र ने ध्यान लगाया, ओहो हमसे तो बड़ा अपराध बन गया, ये तो स्वयं साक्षात भगवान श्री नारायण के अवतार हैं। आज जो है कामधेनु गाय को आगे लेकर के महाराज इंद्र भगवान से प्रार्थना करने के लिए गया, भगवान क्षमा कर दीजिए। बड़ी सुंदर प्रार्थना की है। विशुद्ध सत्त्वम तव धाम शांतम तपोमयम धस्तरजस्तमस्तम मायामयोयम गुणसंप्रवाहो नाविद्यते ते ग्रहणानुबन्ध्या। हे भगवान, आप तो विशुद्ध सत्य को जानने वाले हैं, आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा जी भी आपको नहीं समझ पाए, फिर मैं तो मूर्ख इंद्र हूँ, मैं तो अज्ञानी हूँ, मदरा के मद में इतना चूर हो गया कि मैं आपकी महिमा को नहीं पहचान सका, प्रभु क्षमा कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने 30 श्लोकों में महाराज विनती की थी, प्रार्थना, लेकिन ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। आज जो है 13 श्लोकों में महाराज इंद्र ने प्रार्थना की है, इंद्र को क्षमा कर दिया। क्यों? क्योंकि इंद्र तुमने कोई अपराध नहीं किया, तुमने तो बड़ा अच्छा काम किया है कि जो ग्वाल वाल जिनसे मैं नहीं मिल पाता था वो सात दिन सात रात्रि तक सदैव 24 घंटे नित्य निरंतर मेरे पास रहे, भगवान के पास भक्तों को पहुंचा दो, ये तुमने बड़ा अच्छा काम किया, हम तुमसे प्रसन्न हैं। हाँ जाओ तुम्हें माफ किया। प्यारे देखो भगवान दया निधि है, निज अपने को अपनाते हैं, जो जन उनकी शरणागत हो सीने से उसे लगाते हैं। भगवान तो बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, कृपा सिंधु करुणा सागर, क्या क्या कहें, इनकी जितनी महिमा कहें उतनी कम है। प्यारे
भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया, लेकिन प्यारे इतना जो जल बरसा वृंदावन में, ये जल कहां गया? धूल क्यों उड़ रही है? इसका क्या कारण है? इसकी भी बड़ी सुंदर कथा है प्यारे। शेषनाग महाराज ने वृंदावन को चारों ओर से महाराज अपनी देह से उसकी परिक्रमा करते हुए परधी तैयार कर दी। महाराज जो भी जल बरसता जा रहा है वो एक तरफ खड़े होकर के अगस्त जी महाराज उस जल का पान करते जा रहे हैं, और जो भी जल की कुछ बूंदें शेष पृथ्वी पर रह जाती, ऊपर भगवान का सुदर्शन चक्र चल रहा है इतना तेज कि उसके ताप से वह जो बूंद पृथ्वी पर पड़ी है वो सूख जाती है महाराज, भाप बन जाती है। इसलिए वृंदावन में आज भी धूल उड़ रही है। अगस्त जी महाराज ने उस जल का पान किया है। इसकी भी बड़ी सुंदर कथा आती है। सीता मैया ने निमंत्रण किया, भोजन कराया, कराते कराते थक गई महाराज। भगवान ने कृपा करी, भगवान ने कहा प्रभु अब रहने दो। अगस्त जी ने कहा चलो ठीक है, भोजन तो करा दिया, अब कम से कम जल तो पिला दो। मैया ने हाथ जोड़ लिए, बोले भोजन कराते कराते तो थक गए महाराज, जल नहीं पिला सकते। अब जल पिलाने का काम तो भगवान का है, भगवान पिलाएंगे। प्रभु श्री राम ने कहा महाराज आप कुछ समय के लिए एक युग की समाधि लगा लीजिए, द्वापर युग आएगा, मैं कृष्ण का अवतार लेकर के आऊंगा। इंद्र जब कुपित होगा तो वो जल की वृष्टि करेगा, जितना भी जल बरसे उस जल से अपनी प्यास बुझा लेना महाराज। आज जो है उस जल का पान अगस्त जी महाराज ने किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, जय श्री राधे। इसलिए भगवान से एक प्रार्थना, हे प्रभु परमात्मा आप इस दास पर कृपा बनाए रहें। सभी ब्रजवासी गिरिराज महाराज से लौट करके वापस आए हैं। यहाँ जो है आज कन्हैया ने आगे भागवत जी में रास पंचाध्यायी की कथा आती है। भगवान पिता रात्रि सरदोत फूल मल्लिका विचरन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भागवत जी में पंच प्राण है प्यारे। पंच प्राण क्या है? रास पंचाध्यायी, पांच अध्याय हैं भागवत जी में जिसमें रास पंचाध्यायी का वर्णन आया है, जहां पर रास का वर्णन हुआ है। अगर इस रास की कथा भागवत जी में नहीं होती है तो समझ लो भागवत जी नहीं हुई। हाँ, शरीर है और प्राण नहीं है तो उस शरीर का कोई महत्व नहीं है। इसलिए इस रास पंचाध्यायी की कथा श्रवण करना अति आवश्यक है। आइए इस कथा का रसपान करें। शरद पूर्णिमा की रात्रि है महाराज, चांद जो है अपनी छटा को बिखेरे हुए महाराज प्रकाशित कर रहा है इस संपूर्ण संसार को, जगत को, और भगवान कन्हैया जो है कदम के वृक्ष पर बैठ करके मुरली का निनाद कर रहे हैं रात्रि में। बड़ी सुंदर मुरली बजाई है कन्हैया ने। आज जो है महाराज मुरली जब भगवान कन्हैया ने बजाई तो जिन गोपियों के कान में उस मुरली की ध्वनि गई वो गोपी यह समझने लगी कन्हैया मुझे बुला रहे हैं। और उस ध्वनि को सुन करके महाराज जिस अवस्था में जो गोपी है वह गोपी वह दौड़ पड़ी कन्हैया की उस मुरली की ओर, कन्हैया की ओर। कोई गोपी तो भोजन तैयार कर रही थी रसोई पर,
जब भगवान कन्हैया की मुरली बजती तो जो भी जड़ वस्तुएं होती वही भी चेतन हो जाती महाराज, उनमें भी प्राण आ जाते। तो जो चूल्हे में लकड़ी लगी थी ना, सूखी लकड़ी, उस लकड़ी में रस आ गया। तो जब लकड़ी में रस आया, लकड़ी गीली पड़ गई, चूल्हा बुझ गया, वो गोपी तो भगवान को डांटने लगी। हाँ 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 कन्हैया, तुम ऐसी मुरली बजाते हो कि मेरी चूल्हे, जब मैं भोजन बनाती हूँ तो मेरी लकड़ियाँ गीली हो जाते हैं, गीली पड़ जाती हैं, मेरा चूल्हा बुझ जाता है, भोजन तैयार नहीं कर पाती। तुम ऐसे